फोर्स ने साडे शेरे पंजाब की टीम के उन्होंने पिछड़ा काफ़ी तजर्बा लंबे समय तो और उन्होंने बहुत ही विद्वानों के नाल टॉक शो किए ने और बहुत कुछ सीखने को मिले कौन की कहना है तो वह अपने रसना द्वारा जी प्यार संधि करेंगे तो दसन के खिलाफ किहोजे वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू पावन पवित्र सब शक्तिमान वाहिए दो जहान चमक तपते मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र गोदे चो बैठे खालसे की अलग पहचान नामशाही कलंडर नूं लागू कराने विच गुरद्वारा सियाम दे सच्चा वासदेव जी कत्तर होए गुरु प्यारे खालसा जी साहिबे कमाल समस्तानी अमृत के दाते शहीद पिता के पुत्र शहीद पुत्र के पिता दशमेश पिता को बख्शी फतेह करो प्रवान वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिख इतिहास के पन्ने रेडियो शेरे पंजाब शुरू करने तो पहला मैं तीन लफ्ज क्या करदा सच हक ते इंसाफ की आवाज रेडियो शेरे पंजाब जो उन्होंने प्रोग्रामों के मैं सच की गल ना करा हक की गल ना करा इंसाफ की ना गल करा ते मैं अपने आप नाले भी धोखा कर रहा हूं। इस हफ्ते सिख इतिहास के पन्ने जब मैं पढ़ रहा बीबी रेशम कौर अठ महीने का बच्चा बर्फ की सिर के उ नंगे करके पाया गया बीबी से तशद्दुद किए गए तेरा सिंह कितने है बच्चा तरफ तरफ के सर्दियों के दिनों मास बर्फ न चिमर गया तो बच्चा चढ़ाई कर गया जब इतिहास सुना रहा थी मेरा हिरदा भी रो रहा है तो मेरी अखों के हंझू भी खून बन रहा ऐसा इतिहास ऐडा जोश साडे अंदर पाया किने पहला कल्लूकारा होया दूजा कल्लूकारा से बर्दाश्त किया कि इस कौम को खत्म कर दो नाश को नबूद कर दो तीजा कल्लूकारा पहले दो कल्लूकारे बाद में आके किए तीजा कल्लूकारा जिन्हें मुल्क की राखी करनी सी उन्होंने आके किया कि सिख सेध कितों लै रहे हैं अकाल तख्त साहब तो तह तैरी कर दो बर्बाद कर दो सिख सेध ना लै सके सिख खत्म नहीं होया वो साहब नहीं पे इमारत नवी बन गई। चौथा हमला सरकार ने नहीं किया अबदाली ने नहीं किया 17 अक्टूबर वाले दिन जिस दिन दवाई का दिन से 2009 साडे कौम ने सुप्रीम पद ने किया है तारा दिन इतिहास के कल्लू पारिया के बराबर का दिन है। खालसे की अलग पहचान अलग होद को बरकरार रखने के लिए सरदार पाल सिंह पुरेवाल ने 25 वर्ष मेहनत की है। 25 वर्ष मेहनत के विच मैं सारे इतिहास को पड़चों लिया 40 तो बाद कौम दिया वो अजीम शख्सियत जिन्होंने सिख इतिहास को पढ़े विचारे पड़चों लिया पंच सिंह साहिबान की प्रवानगी तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रवानगी तो बाद
श्रोमणी अकाली दल की प्रवानगी तो बाद समूह धार्मिक जथेबंदियों की प्रवानगी तो बाद इनू लागू किया गया। बड़ी खुशी हुई भाई अकाल तख्त तै तेरी कन तो बाद सिख फिर जिंदे ने, यह तो अलग पहचान बना ली। मैं कई बार देखता इन्हों मुल्कों में जो चाहिए दस्तार देख के अगला कहना है हाय मिस्टर सिंह हाउ आर यू, मैं तुम्हें किए पता है, कहना थोड़ी पग तो पता भी तुम सिंह हो, पग तो पहचान है सिंह हो, पर खालसे की अलग पहचान बनी सी नानक शाही कलंदर 2003 के श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच सारिया जथेबंदियों की प्रवानगी है। पर माफ करना सिख इतिहास जो मैं पढ़ता तो मैं अकाली फूला सिंह चेते आता है, अकाली फूला सिंह जथेदार अकाली फूला सिंह जी, बापू जी तुसी कित्थे हो, कित्थे हो अकाली फूला सिंह, तुसी सिखाया सी राजे श्री मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, साडी जमीर अज मच की है, किसी की हिम्मत है जिनू कह लो कि कौम के महान जथेदार ने, जिनू कह लो कि कौम की महान शख्सियत ने, उन्होंने तुहाडे सामने यूट्यूब देखी है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र हजूरी दे अरदास करके आप मुकरे ने। पंजाबी सूबे का मोर्चा लगा संत फतेह सिंह उन्होंने कुंड बना लिया सी अरदास कर ली सी, अरदास तो बाद मुकर गए, कौम ने खड़े कर ले, माफी मंगी, तनखा लाई, तुहानू कौम के जथेदार ने हुक्म किया 2003 के नानक शाही कलंदर सिखा की अलग पहचान है, मान लो तुसी मने सारे ने, बिल्कुल मने है। 2003 तो लैके 2009 तक मने है, पर जेडियां ताकत हीरा सिंह ते डोगरा सिंह वर्गे अज भी साडे भेस दे विच बैठे ने, साडी अलग पहचान दे विच बैठे ने, अकाल तख्त ढा दिता सिख फिर जिंदा हो गया, आ नानक शाही कलंदर अलग पहचान बना ली है। इहनू खत्म करन दे लई साडे तख्तां दे उत्ते कब्जा कर लिया, जिहदी मिसाल सिंह साहब ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती जिन्हां दी हाजरी दे विच मौजूदगी दे विच अकाल तख्त साहब तो पंज सिंह साहिबान की मौजूदगी दे विच मता पास होया, उहदी कापी मैं तुहाडे नाल साझी सरबजीत सिंह होणां ने कीती है। परंतु जदों 2010 दे विच नानक शाही कलंदर का कतल किया है, एक व्यक्ति जिन्हों सुप्रीम पावर कह रहे हो, सुप्रीम पावर आप देख रहे हो पहले पास डिस्प्ले पर आ रही है, एक व्यक्ति पंज सिंह साहिबाना के श्रोमणी अकाली दल के प्रधान दे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के धार्मिक जथेबंदियों के हुक्म कैंसल कर रहे हैं। कारण की है? ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती परसों मेरी गलबात हुई है रात को, वेदांती साहब तुसीं इहनूं लागू कीता ते कौम नूं की सुनेहा देना चाहते हो, आओ कौम का सुनेहा तुहाडे नाल ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती हुई गलबात। पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार श्याम सिंह नाल हुई गलबात, ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ
इस बाद जी गलबात बेनती जी हुई कि सिंह साहब कि नानकशाही कलंधर बाद खत्म किए किया उदो गल गोर कर गया क्योंकि मुलाजम ने मुलाजम ने ना नौकरी करनी है कई बार सच बोलने तो पकड़ा पैदा है परंतु उन्होंने जो पीए सी उन्हें सच्ची गल दस दी कि कारण की सी जिहदे करके नानकशाही कलंधर खत्म ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਹੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੁੱਤੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਹੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ शायद वो रिकॉर्डिंग में कुछ समा लगेगा। इस बाद सरदार शाम सिंह पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने उन्होंने गलबात जी उन्होंने हुई है पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उसे पकड़ लिया ज्ञानी जगविंदर सिंह अदालती तो बाद आती सरदार बलवंत सिंह नंदगढ़ नगर कीर्तन के बैठे सन मैं उन्होंने बेनती की सिंह साहब जी तुम की कहना चाहते हो तुहाडा की संदेश है विदेशों जो अपने सिखा जे असी तुहाडे संदेशों को मान के पहला नानकशाही कैलेंडर लागू किया कि गुरमुख का जो पास होया कि 11 मैंबरी जी एडवाइजरी कमेटी है जो सारे दवान ने किसी तो सलाह ले गई इन सोचते मामले ਗਿਆਨੀ ਜਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਭਾਉ ਕਲੰਕਰ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੋਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦੋਨੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਖਗੋਲ ਤੇ ਭੂਗੋਲ ਉਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਪਵੇ फिर लागू किवें हो गया लागू किवें हो गया इहदा मतलब यह होया जे वो लागू ना करदे ते तुसीं कह देना सी लो जी इहनूं पंचों छेक दिओ इहनूं सजा ला दिओ हुण जिन्हां ने गुरु साहिब दी हजूरी दे विच वीडियो तुसीं देखी है गुरु दी हजूरी च झूठ बोल रहे ने साडे कौम दे महान नेता जिन्हां नूं तुसीं सत्कार दे रहे हो तुसीं सत्कार दे रहे हो उहनां नूं कौन कहेगा कि अज तो बाद साडा पंथनाम कोई लेखा जोखा नहीं फिर की करोगे की करोगे आप चंद्र बलवंत सिंह नंदगढ़ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕਰਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ
तो लगातार नौजवान वीर ने हिम्मत करके दलेरी करके ये प्रोग्राम लिखा तो दुनिया भर में सुनया भी जा रहा है। मते पास कर करके कांग्रेस किन्ना चिर करते रहोगे, किन्ना चिर करोगे? खालसा पंथ तुसी हो जिथे गुरु ग्रंथ है, जिथे गुरु ग्रंथ है उथे खालसा पंथ है। अज खालसा पंथ ने फैसला करना है, 100 तो वध धार्मिक जथेबंदियां अगे ते पहुंचिया ने, 100 तो वध। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ਹੀ ਮੁਕਦਮ ਪੁੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। क्योंकि विश्वास की जैसी बापू ते किस विश्वास थी शाहे शहंशाह गुरु गोबिंद सिंह कह रहे हो ना पर ना शब्द रागी सिंह भी शाहे शहंशाह के पुत्र हो और पिछड़िया मंडोना तो जाके जेड़े एजेंसियां दा लाके साडी खालसा दी विलखणता नूं खतम कर रहे ने नहीं अज करो पंच सारे गुरुद्वारा साहिब दीआं जथेबंद सोसाइटियां लागू करवाना है और अब गुरु की अगुवाई में 2003 वाला नानक शाही कलंदर को पास किया थी। अब गुरुद्वारा सच्चा मार्ग के भाई पंतप्रीत सिंह खालसा के सारे समूह जथेबंदियां पावन पवित्र कह तो बिना रह गई है। मैं सब शक्ति मान के पहला वादी ये दो जहान के कोई शक्ति कोई ताकत नहीं जिन्हों पूछना पवे नानक शाही कलंदर तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सिद्धांत से खरा उतरा खालसे की अलग पहचान आओ जिन्हों प्रवान करते हो जकारिया की गूंजे का हाथ खड़े करके प्रवानगी दो दुनिया भर में पता लग जाए कि अज 100 साल गदरी योद्धा नु समर्पण हो चुकी है और लाख का खिलाफ वाहेगुरु जी का खालसा।